Hello, welcome to Gotezu's chat room. Today we have Aparna Sharma ji with us. हम बहुत खुशकिस्मत हैं क्योंकि मैम एक सीनियर एचआर प्रैक्टिशनर हैं, ऑथर हैं और कोच भी हैं। साथ ही साथ आपको जान के ये खुशी और बहुत प्राउड महसूस होगा कि मैम कई सारी कंपनीज में बोर्ड मेंबर हैं एज एन इंडिविजुअल बोर्ड मेंबर जो होते हैं डायरेक्टर्स की कैपेसिटी में। मैम का बहुत रिच एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट्स में। मैम ने एचआर के जो सबसे ऊंचे ओहदे होते हैं वहां तक काम किया, लेकिन इनकी शुरुआत बहुत हम्बल रही है। आज हमने मैम को इसलिए इनवाइट किया है ताकि जो भी खासकर वर्किंग विमेन या जो भी बच्चियां या लड़कियां तैयारी कर रही हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आने के लिए, वो मैम की जर्नी से कुछ सीख सकें और अपना आत्मविश्वास मजबूत करके आगे बढ़ सकें। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सो मैम, मेरा पहला सवाल आपसे, आपके हिसाब से एचआर क्या है? व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स फॉर यू? सो देखा जाए तो ह्यूमन रिसोर्सेज और हिंदी में उसे मानव संसाधन कहेंगे। हाउएवर मेरे हिसाब से एचआर इज नॉट ह्यूमन रिसोर्सेज बट इट्स अबाउट ह्यूमन रिलेशंस। जो लोगों में आपसी संबंध हैं, यू नो, वो कितने इम्पोर्टेंट हैं। एंड इसमें द ह्यूमन एस्पेक्ट इज वेरी इम्पोर्टेंट। यू नो, आजकल बात चल रही है हाउ टू ब्रिंग द ह्यूमन बैक इन ह्यूमन रिसोर्सेज। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हो गया है कि इतना ऑटोमेशन हो गया है, इतना सब कुछ मैकेनाइज्ड हो गया है कि कहने को ह्यूमन रिसोर्सेज है बट वो ह्यूमन एलिमेंट, ह्यूमन टच, ह्यूमन रिलेशंस हट गया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो मेरे हिसाब से लोगों को आपस में समझना, एक दूसरे से कैसा व्यवहार करना, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन के तहत हो तो कैसे मोटिवेट करना, कैसे एनकरेज करना, उनकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाना, और सब लोग ऑर्गेनाइजेशन के गोल को लेकर अपना फोकस रखें और उसी को के लिए काम करें तो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होती है। और वहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि ह्यूमन रिसोर्सेज की पॉलिसीज आर द राइट वंस एंड आर इन प्लेस। तो इसमें पॉलिसीज का कम बेसिकली योगदान है। जो योगदान है वो ह्यूमंस का है, और क्योंकि हम लोग एज ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल बीइंग्स, हम लोगों का अलग अलग स्वभाव होता है, अलग अलग सोचने का तरीका होता है, हम अलग अलग बैकग्राउंड से आए हुए होते हैं, पढ़ाई हमारी अलग तरह की हुई होती है, तो अपब्रिंगिंग में फर्क होता है, उस कारण हम लोगों की सोच अलग रहती है। तो जब ये सब मिला के जो टैलेंट ऑर्गेनाइजेशन में आता है और उसको वहाँ पे डिप्लॉय करने के लिए जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं, वो यही रहता है कि सबका विकास कैसे हो, सबकी उन्नति कैसे हो, और रिसोर्सेज की उन्नति के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन की उन्नति कैसे हो। तो मेरे हिसाब से ह्यूमन रिलेशंस, एचआर ह्यूमन रिलेशंस है, और वो ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं, एक्चुअली हमारे घर से शुरू होता है, हमारे परिवार से, हमारे आपस में जो रिलेशनशिप्स हैं उसमें, हमारी सोसाइटी में, एंड फिर ऑर्गेनाइजेशन में, और देखा जाए तो पूरे देश में भी एक्चुअली, यू नो, इट्स ऑल एन इंटरप्ले ऑफ ह्यूमन रिलेशंस। तो एक दूसरे को हम कितना समझते हैं, एक दूसरे को कितना रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे को कितना सराहते हैं, ये चीजें इम्पोर्टेंट हैं। तो इसको खाली एक टेक्निक बना के ना रखें, मेरे हिसाब से इट्स बोथ अ साइंस एंड एन आर्ट। लोग समझते हैं कि इसमें क्या बड़ी बात है, यू नो, बस लोगों को ही तो मैनेज करना पड़ता है, पर वही तो सबसे ट्रिकी एस्पेक्ट है, बिकॉज़
उसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, यू नो 2+2=4 नहीं हो जाता है, एज मैंने बताया कि लोग कितने अलग होते हैं, उसी तरह से दैट इज व्हाई इट्स एन आर्ट, आर्ट कहा जाता है जिसका कि कोई प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मूला या कोई प्रिस्क्राइब्ड रूल नहीं होता, थंब रूल नहीं होता, नहीं होता। तो और मैं ये इतने सहज सिंपल शब्द में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बेसिकली आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशंस होती हैं, यू नो उसमें कभी डी लगा देंगे तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो जाएगा, एम लगा देंगे तो मैनेजमेंट हो जाएगा, पर अगर हमारा बेसिकली पर्पस ये होना चाहिए कि हमें हर चीज को सिंप्लीफाई कैसे करें, इसीलिए अगर हम रिश्तों पे रिलेशंस पे ध्यान रखेंगे तो ऑटोमेटिकली हम ह्यूमंस का भी ध्यान रख सकते हैं। मैम बिल्कुल आपकी बात से मैं 100% एग्री करता हूँ, क्योंकि आज ही क्या हुआ कि आई वाज हैविंग अ कॉल विद माय एचआर एग्जीक्यूटिव जो हमारे ऑफिस में है, और वो बड़ी टेंस थी कि सर कोई बात ही नहीं सुनता है, सब अलग अलग अपनी अपनी रास्तों में भाग रहे हैं। सो आई जस्ट टोल्ड हर कि तुम्हारा काम किसी को बात सुनाना नहीं है, तो अपना काम बस करो जो तुम्हारा काम है, यू नेवर नो कौन किस मूड में बैठा हुआ है, सब घर पे बैठे हैं, कोई फ्रस्ट्रेटेड है, किसी की बीवी से झगड़ा हो रखा हुआ है, कोई बेचारा किसके पास पैसे नहीं है, कोई बहुत खुश है, तो आप यू कांट कंट्रोल एवरीबॉडीज मूड, तभी शायद मैम प्रोसेसेस की जरूरत ऑर्गेनाइजेशंस में होती है। खैर इस बारे में हम और जानेंगे आपसे। मैम मेरा अगला सवाल ये है दैट व्हाट इज योर करंट रोल, आप अभी क्या कर रहे हैं, और साथ ही साथ एक और सवाल का जवाब दे दें कि व्हाट हैज बीन योर जर्नी, थोड़ा सा इसमें हमारे दर्शकों को मतलब डिटेल में बताएं प्लीज। राइट सो अभी आई वुड से कि मेरे काफी मल्टीपल रोल्स हैं एंड बहुत एक्साइटिंग है क्योंकि मैं एक गिग वर्कर या कंसल्टेंट हूँ बेसिकली, यू नो आई डोंट वर्क 9 to 5, आई वर्क 24/7, मैं 24 घंटा 7 दिन काम करती हूँ क्योंकि मैं खुद की बॉस हूँ और मैं अपने पेस पे काम करती हूँ, मैं मल्टीपल चीज़ों पे काम कर सकती हूँ, तो एज अ कंसल्टेंट मैं ऑर्गेनाइजेशंस में एचआर सिस्टम्स अगर सेटअप करने होते हैं तो वो करती हूँ, ट्रेनिंग करती हूँ, उनके अगर कुछ डायग्नोस्टिक्स करने होते हैं तो वो करती हूँ, सीनियर मैनेजमेंट को अगर कुछ लीडरशिप ट्रेनिंग देनी होती है तो वो करती हूँ, मैं बोर्ड्स को मेंटर करती हूँ काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस में, उनके बोर्ड एडवाइजरी कैपेसिटी में हूँ, दैट्स पार्ट वन। पार्ट टू मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हूँ ऑन सेवरल बोर्ड्स, सो मेरा एक स्ट्रेटेजिक रोल है विच इज़ यू नो नॉट इंटरफियरिंग इन डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी बट लुकिंग एट द स्ट्रेटजी एंड नॉट एचआर स्ट्रेटजी अलोन पर ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंस आईटी मार्केटिंग यू नो ओवरऑल जो फ्यूचर आउटलुक है वो सब हम लोग बोर्ड मेंबर्स ऑर्गेनाइजेशन को गाइड और स्टीयर करते हैं, तो दैट्स अ वेरी एक्साइटिंग वन एज वेल। उसके अलावा पता नहीं कब पर मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर बन गई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड आई थिंक आपने जो सेकंड क्वेश्चन पूछा मैं जब उसका जवाब दूंगी तो शायद उसमें कुछ राज खुलें। सो मैं मोटिवेशनल स्पीकर, सो आई गेट इन्वाइटेड अलग अलग कंपनीज में अलग अलग फोरम्स में टू मोटिवेट पीपल इन ऑर्गेनाइजेशंस, पीपल इन डिफरेंट ग्रुप्स, वुमेन गर्ल्स ओल्डर पीपल ऐसे यू नो, तो ये तीसरा रोल है। चौथा रोल है कि मुझे भी नहीं पता पर कैसे मैं 3 किताबों की ऑथर हूँ, तो मैंने 2 किताबें अंग्रेजी में लिखी हैं, 1 किताब हिंदी में लिखी है, 2 किताबें ह्यूमन रिसोर्सेस पे हैं जो कि मेरा सब्जेक्ट है, अंग्रेजी की किताब का नाम है रियलिटी बाइट्स द रोल ऑफ एचआर इन टुडेज वर्ल्ड,
हिंदी में जो किताब लिखी गई है उसका नाम है रियलिटी बाइट्स, मानव संसाधन संसाधन में मानव संसाधन की भूमिका। और जो तीसरी किताब है, जो लेटेस्ट किताब है, वो किताब है बिटवीन यू एंड मी, ऑर्डिनरी पीपल एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेसन्स। तो ये तीन किताबें हैं। तो मतलब इसके जरिए भी मैं टॉक्स करती हूँ और इनके इनमें क्या लिखा है वो शेयर करती हूँ। और एक मजे की बात यह है कि मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है राइटिंग का, पर अब मैं एक्चुअली वर्कशॉप्स लेती हूँ ऑन हाउ टू राइट अ बुक एंड बिकम अ बेस्ट सेलर, क्योंकि मेरी किताबें बेस्ट सेलर हो गई। तो फ्रेंकली मुझे भी नहीं मालूम था, बट अब मैं ये भी करती हूँ। मुझे एक एग्जाम्पल याद आ गया, हमारा जो पिछला इंटरव्यू था देवाशीष दासगुप्ता जी के साथ, वो आईएम में प्रोफेसर है, तो मैंने उनसे पूछा यही सवाल, मैंने कहा सर एडमिशन कैसे होता है, मतलब क्या पढ़ना पड़ेगा। तो बोले यार जब मैं एमबीए करने जा रहा था तो मेरा आईएम छोड़ो, मैं किसी बी ग्रेड स्कूल से पढ़ के पास हुआ हूँ, मैं आईएम में प्रोफेसर कैसे बन गया मुझे नहीं पता। सो इट इज ऑल डेस्टिनी, वही आपकी बात सुन मुझे, मतलब मुझे पता नहीं था कि मैं मुझे कविताएं लिखना अच्छा लगता था, मैं किताब कैसे लिखती मैंने मुझे, और एक नहीं तीन लिख दी वो भी नहीं पता। और फिर लोग अब टिप्स लेते हैं कि सब कैसे यू नो बेस्ट सेलर बनाया जाता है किताब को। तो दैट्स द अदर थिंग। और बिकॉज लिखने पढ़ने की बात हो रही है, आई एम अ कंसल्टिंग एडिटर विद वेरियस एचआर मैगजीन्स। तो मैं आई राइट वेरी रेगुलरली ऑलमोस्ट एवरी वीक फॉर यू नो डिफरेंट मैगजीन। तो ये भी काम करती हूँ। एंड उसके साथ साथ मैं एक काउंसलर भी हूँ। तो काउंसलिंग यू नो पर्सनल एंड प्रोफेशनल काउंसलिंग और कोचिंग। एंड मैं अलग अलग इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि काउंसलिंग अलग चीज है, कोचिंग अलग चीज है, राइट? तो ग्रुप कोचिंग है, वन टू वन कोचिंग है, लीडरशिप कोचिंग है, वो भी करती हूँ और काउंसलिंग भी करती हूँ। सो जैसा कि मैंने बोला कि बहुत सारी चीजें करती हूँ और बहुत मजा आता है और अपने पेस पे करती हूँ, बट इन सब एक्सपीरियंस से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है क्योंकि मैं इतने सारे लोगों से इंटरेक्ट करती हूँ, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपका दूसरा क्वेश्चन था व्हाट इज द जर्नी, ओके? तो जर्नी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसका जवाब कुछ कम शब्दों में मैं नहीं दे सकती क्योंकि ये जर्नी एक्चुअली व्हेन आई लुक बैक तो मैं देखती हूँ जर्नी, और आई ऑफन लुक बैक क्योंकि मैं अपनी रूट्स नहीं भूली, मैं कहाँ से आई हूँ ये मैं नहीं भूली हूँ, एंड मुझे कहाँ जाना है ये भी मुझे पता है। पर जब मैंने शुरुआत की थी तब मुझे ये सब नहीं पता था। तो मेरे जैसे और भी लोग होंगे, दर्शक श्रोतागण, जो कंफ्यूज्ड रहे होंगे या होंगे अभी, तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है बिकॉज अल्टीमेटली आप अपना रास्ता खुद बना सकते हैं। तो मैं एक बहुत छोटी जगह से मैंने शुरुआत की थी। छोटी जगह इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब मैं पहली बार बंबई आई तो लोगों ने बड़े हीन दृष्टि से देखा और लोगों ने बहुत मजाक बनाया कि मतलब ऐसी भी कोई जगह है, कौन से स्टेट में है, और हमने तो कभी नहीं सुना, राइट? तो कहाँ से आई थी, वहां से शुरू। अच्छा, तो अब आप मतलब खुलासा करना पड़ेगा। तो अब तो बहुत फेमस है, मैं उज्जैनी, उज्जैन मध्य प्रदेश में जो ज्योतिर्लिंग है, उज्जैन में पैदा हुई थी, और उसके बाद मैं कुछ साल वहां पढ़ी हूँ, और उसके बाद मैंने काफी भारत दर्शन किया है अपने पेरेंट्स के साथ। तो मैं बहुत अलग अलग स्टेट्स में पढ़ रही हूँ, पर बहुत छोटी छोटी जगहों में पढ़ी हूँ। तो
मेरा स्कूलिंग हुआ उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन भोपाल से किया और उसके बाद मैं बम्बई एमबीए करने के लिए आई। तो मतलब 6 साल मैंने उज्जैन में भी पढ़ाई की है। और इम्पॉर्टेंट ये है कि उस वक्त पहले के टाइम पे इतना छोटी जगहों में ना तो इंटरनेट था, ना टेलीफोन्स होते थे, ना एक्सपोजर नहीं होता था। और काफ़ी जगहों पे लड़कियों को आगे पढ़ाना और उनको उनका आगे बढ़ना ऐसा कोई महत्वपूर्ण नहीं होता था। अगर कर लिया तो ठीक है और नहीं किया तो कोई किसी का कुछ नहीं जाता था, राइट? तो आपको एनकरेज नहीं किया जाता था कि आपको कुछ करना है और आगे बढ़ के अपने लिए कोई मकाम आपको हासिल करना है। तो वहाँ से शुरुआत होके और जब तक ग्रेजुएशन में पहुँचे तो सिविल सर्विसेज करना था और उसके लिए दिल्ली भी जाना था पढ़ने के लिए। जेएनयू में एडमिशन भी हो गया था पर उस वक्त मंडल कमीशन हो गया तो 2 साल तक जो है सस्पेंड हो गए थे सारे एग्जाम्स वगैरह। तो लड़कियों के लिए ये बहुत क्रूशियल पीरियड है क्योंकि घर से बहुत दबाव रहता है कि आपकी शादी हो जानी चाहिए समय रहते और आप पढ़े ना पढ़े पर परिवार जैसा चाहता है वैसे। तो एक तरह से आई वॉज वेरी क्लियर कि मुझे अपने पैरों पे खड़े होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि शादी जब होनी होगी तब होगी, बट ऐसा नहीं है कि मैं जितना पढ़ना चाहती हूँ मैं ना पढ़ूँ और मैं अपने पैरों पे ना खड़ी हो पाऊँ। तो मेरा एडमिशन टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में हुआ और ये फिर से बहुत टर्निंग पॉइंट है क्योंकि 10,000 एप्लीकेंट्स में से 27 जनरल और बाकी रिजर्व्ड, मतलब 7 रिजर्व्ड, 30 सीट्स होती थी। 10,000 एप्लीकेशंस और 30 सीट्स और 23 के लिए हम कम्पीट कर रहे थे। तो बहुत टफ कंपटीशन से वहाँ पे एडमिशन हुआ और देखा जाए तो मैंने आपको बताया कि मैं बहुत छोटी छोटी जगहों में पढ़ी हूँ। मैं बोर्डिंग स्कूल में रह के पढ़ी हूँ बट मेरे पेरेंट्स ये चाहते थे कि वो जिस स्टेट में उनकी पोस्टिंग हो उसी स्टेट में वो मुझे रखें और मजबूरी थी। उनका पोस्टिंग बहुत इंटीरियर्स में रहता था जहाँ पे स्कूल और हॉस्पिटल बराबर नहीं होते थे। तो हमारे भविष्य के लिए मुझे और मेरी बहन को हमने हॉस्टल में रह के पढ़े। तो बहुत छोटी उम्र से आत्मनिर्भर रहना और खुद के सही गलत डिसीजंस लेना ये करना पड़ा क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था। और इसी तरह से करते करते तो एमबीए में जब एडमिशन हुआ काफ़ी टफ कंपटीशन के बाद और आइडिया वाज कि ऐसी पढ़ाई पढ़ी जाए जिससे कि नौकरी मिल जाए ताकि किसी पे निर्भर नहीं होना पड़े। तो देखिए ऐसा है कि मैंने बताया कि गोल होना चाहिए, मेरा भी था गोल था कि आत्मनिर्भर बनना है, अपने पैरों पे खड़े होना है, सिविल सर्विसेज करना था, बट समय का फेर देखिए कि एग्जाम्स ही नहीं हुए। जब मैं टाटा इंस्टीट्यूट में गई तो जब मैं ह्यूमन रिसोर्सेज पढ़ने लगी तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा, मुझे मज़ा आने लगा। और मज़े की बात मैं आपको बताती हूँ कि इंटरव्यू में मुझे पूछा गया इंटरव्यू पैनल ने एडमिशन के टाइम में कि आप क्या जानती हैं ह्यूमन रिसोर्स के बारे में। तो मैं ग्रेजुएशन करके आई थी, मैंने बताया छोटे शहर से आई थी, मुझे कुछ पता नहीं होता था। और मज़े की बात यह है कि कैसे पता चला मुझे टाटा इंस्टीट्यूट के बारे में भी, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर पढ़ती थी मैं, उसमें मैं जगह जगह ढूंढती थी कि कहाँ क्या पढ़ाई पढ़ सकते हैं, कहाँ नौकरी मिल सकती है, क्या हो सकता है। वहां पे मैंने एक एड देखा और मैंने अप्लाई किया।
राइट, जेएनयू का भी ऐसे ही पता किया था और अप्लाई किया था, तो दोनों ही जगह एडमिशन हुआ। तो मुझे पैनल ने पूछा कि आप क्या जानती हैं, तो मेरे हिसाब से मैंने उनसे कहा कि सर अगर मैं जानती होती तो शायद मैं यहाँ एडमिशन नहीं लेने के लिए आई होती। हाथ जोड़ के मैंने उनसे कहा कि सर मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ, आज आपने मुझे पहला सवाल पूछा कि आप मतलब क्या आपके लिए सिंपली क्या मीन करता है ह्यूमन रिसोर्सेज। मैं आपको बता रही हूँ कि व्हेन आई स्टार्टेड मैंने मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि ये क्या होता है, क्यों पढ़ते हैं लोग। पहला सवाल था, उन्होंने कहा कि आप क्या जानती हैं, मैंने कहा सर मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मैं सिर्फ जानने और समझने के लिए ही मैं यहाँ पढ़ना चाहती हूँ। तो आई थिंक जनरली लोग क्या है रट्टू तोते की तरह से सारे के सारे सवाल और जवाब सब सीख के आते हैं। उनको लगा कि ये सच बोल रही है, कुछ नहीं आता है, क्योंकि आजकल लोगों को सब कुछ आता है, सब हर चीज के बारे में सब कुछ आता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एडमिट कि मुझे नहीं आता है, राइट? हमें अगर ये एडमिट करें कि हमें नहीं आता है। Absolutely, ma'am. आप जैसे कह रहे थे कि प्रॉब्लम है कि सबको सब कुछ आता है क्योंकि इन्फॉर्मेशन इतनी इजीली अवेलेबल है हर जगह, और वो टू मच ऑफ इन्फॉर्मेशन इज नॉट नॉलेज। और आपने आपका ये कहना कि मुझे नहीं आता है, आई थिंक इट डिपिक्ट्स कि ऑर्गेनाइजेशंस शायद ये चाहते हैं कि उनको ऐसे लोग मिले जो रिसेप्टेबल हो, जो सीखना चाहें। मैम प्लीज आगे बढ़ते हैं। तो आपका एडमिशन हो गया, फिर क्या हुआ? राइट, तो यू नो आकर्षण, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी एंड होपफुली मैं फिर कभी बताऊंगी। आप जर्नी के बारे में पूछ रहे थे और मैं कह रही थी कि मैं पीछे देखती हूँ तो मुझे बहुत सुकून मिलता है कि मैं कहाँ से शुरू हुई थी और मैं कहाँ तक पहुँची हूँ। तो ईश्वर का बहुत बहुत आशीर्वाद है और मेरे मेंटर्स और वेल विशर्स की बहुत बेस्ट विशेज हैं। पढ़ाई की और यहाँ पे सिर्फ एक ही बात पे जोर देना चाहूँगी कि मैंने बताया कि बड़ी हीन दृष्टि से देखा गया कि छोटे शहर से आई है, तौर तरीके नहीं आते। गुस्सा सबको आता है, बुरा सबको लगता है, पर मैंने ऐसा कुछ लगने नहीं दिया, मैंने ऐसा कुछ जाहिर नहीं किया। मैंने सिर्फ सिर नीचे करके पहले साल और दूसरे साल इतनी मेहनत की, इतने अच्छे से पढ़ाई की कि मैंने इंस्टीट्यूट टॉप किया, फर्स्ट ईयर में टॉप किया और सेकंड ईयर में टॉप किया। तो मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि उज्जैन मैप में कहाँ है। ऑटोमेटिकली लोगों को सबको अपना जवाब मिल गया कि कहाँ से आई है और उज्जैन कहाँ है। तो कहने का मतलब ये है कि रिजल्ट स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, यू नो। तो फोकस हमेशा सही जगह रहना चाहिए और फोकस रिजल्ट्स पे रहना चाहिए, विच इज़ व्हाट आई डिड। मैंने निंदा की और बाकी इधर उधर की बातों की परवाह नहीं की। आई टर्न्ड अ डेफ ईयर और मैं बिल्कुल पूरी लगन से अपना काम करती रही। उसके बाद से पीछे मुड़ने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी और किसी को बताना नहीं पड़ा कि उज्जैन कहाँ है और मैं और भी कौन से छोटे छोटे शहरों में रह के पढ़ चुकी हूँ। बिकॉज आई थिंक एक्सेलेंस इन कॉम्पिटेंस इज वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट, यू नो। बाकी सब तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आ ही जाता है, दुनियादारी आ ही जाती है, और नहीं आती तो दुनिया मार मार के सिखा देती है, राइट? तो काफी लंबा सफर रहा है पढ़ाई के बाद भी। करीब 25 साल नौकरी किया इंडिया में और दूसरे देशों में रह के वहां पर भी काम किया, यूएस, फिलीपींस, सिंगापुर। तो बहुत ही फुलफिलिंग जर्नी रही है और मेरे हिसाब से हमें जब अगली बार समय मिलेगा इसके बारे में बात करने के लिए तो आई थिंक हमें एक एपिसोड सिर्फ जर्नी के बारे में ही बनाना पड़ेगा, बिकॉज बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। और आई थिंक उसमें से बहुत सारी चीज़ें लोग सोच के अपने ऊपर भी लागू कर सकते हैं।
यू नो, सो मैं अभी उस पर ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूंगी, बट होपफुली वी कैन टॉक अबाउट इट अनदर टाइम. राइट, सो मैम ये जर्नी रही है. सो मैम जैसे कि आपने बताया कि आपने मल्टीपल कंट्रीज में काम किया और टॉप ऑफ द लेट्स से फूड चेन पे काम किया, कि जब जो एक ऑर्गेनाइजेशन की फूड चेन होती है उसमें जो सबसे ऊपर के लोग होते हैं वहां पे आपने काम किया है, तो वहां से आपको देखने पे क्या लगा कि इज कॉर्पोरेट डिफिकल्ट फॉर वुमेन, कि ये दुनिया ही ऐसी है सबके लिए वैसे, कि एज अ वुमेन कोई स्पेशल चैलेंजेस आते हैं क्या? Absolutely aate hain. And I must admit ki women have to work not twice but thrice as hard. Normal log mehnat karte hain uski dugni, main keh rahi hu tigni mehnat karni padti hai aur har roz karni padti hai because you have to prove yourself every day, right? This you know aajkal women being part of workforce मान लिया गया, अपना लिया गया है, junior level पे लोग join करते हैं तो ये आम बात हो गई है. पर उनको हमेशा ये देखा जाता है कि अब इनकी शादी होगी तो शायद ये छोड़ देंगी, maternity होगा तो शायद छोड़ देंगी, तो एक stable resource की तरह से नहीं माना जाता है. राइट, तो ये धारणा है, ये धारणा भी है, इसके साथ साथ कुछ रियलिटी भी है. और दूसरी चीज ये है कि एज यू ग्रो हायर अप द वैल्यू चेन, एज यू ग्रो हायर अप, जैसे जैसे आप सीनियर लेवल्स पे पहुंच जाते हैं बहुत एप्रिहेंशंस होते हैं, पीपल आर नॉट श्योर, आप कितने ही कॉम्पिटेंट हो बट इफ यू आर अ वुमन दे आर नॉट श्योर कि आपको प्रमोट करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि आपको प्रमोट करने के बाद अगर आपने छोड़ दिया सो वॉट, पहले ये सवाल होता है. दूसरा ये होता है कि अगर ये लेडी को बिठाया तो बाकी के जो टीम में लोग हैं दे आर मेन, ओके, हाउ विल दे रिएक्ट टू इट, ओके, डज शी हैव द कैपेबिलिटी, क्या ये आदमियों के साथ काम कर सकती है, इनको मैनेज कर सकती है? तो मतलब इवन फॉर अ प्रमोशन मन में अगर आपका बॉस मेल है तो इस तरह के ख्याल आते हैं. और ये चीजें डिस्कस होती हैं, एंड स्पेशली इफ यू गो टू द सीनियर मोस्ट लेवल, वहां पे तो आप शायद अकेली ही हो, तो वहां पर तो और भी मुश्किल होता है. क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस में, मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि हर जगह, बट मेरे एक्सपीरियंस में देर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो कि इंतजार कर रहे हैं कि आप एक गलती करें और कहा जाए कि देखिए हमने कहा था, इट्स नॉट वर्थ इट, शी इज नॉट वर्थ इट, राइट? तो और ये देखिए अगेन जेंडर बायस मैं नहीं कहूंगी, बट जेंडर सेंसिटाइजेशन नहीं है हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में, सोसाइटी में. हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, बात करना एक बात होती है, उसका अनुसरण करना और उसको फॉलो करना एक बात होती है. और ये चीजें तभी होती हैं जब ये हमारे घर में होती हैं, हमारे समाज में होती, तभी जाके ऑर्गेनाइजेशन में होंगी. हम ऑर्गेनाइजेशन को दोष नहीं दे सकते क्योंकि हम घर में ऐसा ट्रीट नहीं करते, हम सोसाइटी में ऐसा ट्रीट नहीं करते, तो हम ऑर्गेनाइजेशन में कैसे एक्सपेक्ट कर सकते? वही मेंबर्स, मेल मेंबर्स या मेल कॉलीग्स आपके घर में भी हैं, आपकी सोसाइटी में भी हैं, वही जाके तो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं. तो जब उन्होंने पहले नहीं देखा तो वहां आप सडनली कैसा सोचेंगे कि वो दे विल ट्रीट यू डिफरेंटली? तो स्ट्रगल करना पड़ता है, पर आपको डटे रहना चाहिए, आपको डटे रहना पड़ेगा, क्योंकि आपको हराने वाले, आपको नीचा दिखाने वाले सब तरह के लोग रहते हैं. और उसमें आपको अपने एलाइज ढूंढने पड़ते हैं, आपको ये देखना पड़ता है कि कौन आपको प्रोत्साहित कर रहा है. ऐसा नहीं है कि सब ऐसे होते हैं, तो उनको ढूंढ के उनके साथ जुड़ के और उनके साथ टीम बना के आगे बढ़ना चाहिए. तो हर जगह हर तरह के लोग होते हैं, मेल्स भी होते हैं, फीमेल्स भी होते हैं, फीमेल्स में भी बहुत कॉम्पिटिशन होता है, तो मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि अलग है, बट वुमेन को
मेहनत करनी पड़ती है और अभी इंडियन सोसाइटी में समय लगेगा. कितना समय लगेगा ये मैं नहीं कह सकती, बट समय लगेगा अपना ड्यू स्थान अर्जित करने के लिए, बिना सवाल के कि क्या ये काबिल हैं, क्या ये इस पोजीशन पे इसलिए हैं क्योंकि ये महिला हैं, क्योंकि हमारे यहाँ रिजर्वेशन भी है, आपकी काबिलियत के लिए आप वहां हैं, ये एक्सेप्ट करने में समय लगेगा. सो समाज में भी और ऑर्गेनाइजेशंस में. पर मैंने कभी हार नहीं मानी. मैं हजारों बार गिरी हूँ, मुंह के बल गिरी हूँ, पर मैं हमेशा वापस से हाथ झटक के और मैं वापस खड़ी हो जाती हूँ. मैं खड़ी हो, चोट भी लगी है, सब कुछ हुआ है, पर मैं खड़ी हो जाती हूँ. और शिकन नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, नहीं किसी से नहीं. तो आपको वो कहते हैं ना, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती. आई थिंक हरिवंश राय बच्चन जी की वो है कविता, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती. तो पुरुष हो या महिला, कोशिश करते रहना चाहिए. एक बार नहीं, दो बार नहीं, 100 बार, क्या फर्क पड़ता है. क्या फर्क पड़ता है, बहुत सही बात कही मैम आपने. लेकिन मैम जैसे जो आपने बताया कि ये इनइक्वालिटी कहीं ना कहीं प्रिवेल तो करती है, तो आज की ऑर्गेनाइजेशंस एचआर टर्म्स में अगर बात करें तो अपना ये डाइवर्सिटी, इंक्लूजन, इक्वालिटी, इन सबको कैसे लेके चल सकती है, क्या कर सकती है ऐसा कि ये इंटैक्ट रहे वैल्यूज. तो मेरे हिसाब से कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस ने एक स्टेप आगे बढ़ाया है टू रेकग्नाइज डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूजन, ये टर्म्स इंट्रोड्यूस किए हैं. और डिवर्सिटी का मतलब खाली जेंडर डिवर्सिटी नहीं है, बट और तरह की भी डिवर्सिटी है, तो उसका ब्रॉड स्कोप है. इंक्लूजन में अगेन ऐसा कहा जाता है कि यू नो, इफ यू आर इनवाइटेड टू अ पार्टी, ऐसा एक बहुत फेमस इंक्लूजन के लिए सेइंग, इफ यू आर इनवाइटेड टू अ पार्टी, इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू कैन डांस. क्योंकि आप पार्टी में भले ही इन्वाइटेड हो, बट अगर आपको किसी ने आगे बढ़ के ये नहीं कहा कि सब डांस कर रहे हैं, आप भी डांस करिए, तो आप बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली बात हो गई. आप मतलब बिना मतलब के ही आप यू नो खुश हो रहे हैं एंड यू नो अपने आप से नाच रहे हैं, तो लोग आपको दीवाना ही कहेंगे. सो यू नो इट्स नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी, तो शुरुआत की है. पर मैं यहाँ लाना चाहूंगी कि अभी भी हमको बहुत लंबा सफर तय करना है एज फार एज इनको रियलिटी में बदलने के लिए. देखिए, डिवर्सिटी इज नॉट ओनली अबाउट नंबर्स कि आपने कितने हायर किए और आपने कितने रिटेन किए, आपने कितने प्रमोट किए. इट इज अबाउट उन लोगों को ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होके कैसा लगता है, क्या उनकी उनके थॉट्स, उनके विचार सुने जाते हैं, समझे जाते हैं, एक्सेप्ट किए जाते हैं, या उनको डस्टबिन में फेंक दिया जाता है. राइट, तो नंबर वाली बात नहीं है, बट फीलिंग वाली बात है, इंक्लूजन वाली बात है, इक्विटी वाली बात है. अभी भी देखिए ऑर्गेनाइजेशंस में ये बहुत डिबेट चलता है कि यू नो कौन से फंक्शंस में सैलरी कितनी होनी चाहिए, एंड इफ द फंक्शन इज हेडेड बाय अ मेल कितना होना चाहिए, और इफ इट इज हेडेड बाय अ फीमेल कितना होना चाहिए. बॉलीवुड में देख लीजिए, अभी भी एक्ट्रेसेस कहती हैं कि एक्टर्स को, मेल एक्टर्स को ज्यादा पैसे मिलते हैं और फीमेल एक्टर्स को नहीं. तो ये भी तो समाज का ही एक हिस्सा है ना. तो ऑर्गेनाइजेशंस में भी ऐसा होता है. फिलहाल टोकनिज्म है, ये सब वर्ड्स हैं, पर काम करने की जरूरत है. मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगी. मैं कल ही पढ़ रही थी कि एक्सिस बैंक की हेड ऑफ एचआर एक महिला है और बहुत अच्छी सोच है. उन्होंने एक हैशटैग इंट्रोड्यूस किया, एक प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया है, हाउस वर्क इज वर्क, हैशटैग हाउस वर्क इज वर्क. वो एक्चुअली
होम मेकर्स जो हैं, जो महिलाएं घर रह के घर का काम करती हैं, उनको हायर करना चाहती हैं। नंबर कम है, 15 लोगों को हायर करना चाहती हैं, बट एटलीस्ट किसी कॉर्पोरेट ने ये रिकॉग्नाइज किया कि घर का काम भी काम है। ओके, एंड ये शुरुआत हुई कि किसी एक होम मेकर ने सीवी भेजा और उनका सीवी था, उनके उस पे टाइटल था हेड ऑफ शर्मा रेसिडेंस। उन्होंने अपना टाइटल दिया था, जैसे आप आकर्षण इज यू नो द को फाउंडर और फाउंडर ऑफ गोतेजू, राइट, ये आपका टाइटल है जी। उस महिला ने अपने सीवी पे लिखा था हेड ऑफ शर्मा रेसिडेंस और उन्होंने अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज में लिखा था कि मैनेजिंग फाइनेंसेस, ट्रेनिंग चिल्ड्रन, ट्रेनिंग स्टाफ, ओके, ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ यू नो शर्मा रिसोर्सेज, ये वो करके उस तरह का उन्होंने सीवी लिखा। तो इट वॉज अ वेरी डिफरेंट वे ऑफ प्रेजेंटिंग। देखिए ये भी डिवर्सिटी ऑफ थॉट है, इट स्ट्रक द ऑर्गेनाइज वेरी स्मार्ट। नाउ व्हाट दे हैव डन इज दे हैव हायर्ड दिस लेडी, दे हैव हायर्ड दिस लेडी टू रन अ कैंपेन एंड कैंपेन का हैशटैग है होमवर्क इज वर्क। ओके, एंड दे वॉन्ट टू ब्रिंग इन पीपल लाइक दैट, दे वॉन्ट टू हायर मोर वुमेन जो कि घर पे हैं। और आपको पहले कॉर्पोरेट में एक्सपीरियंस है या नहीं है उससे कोई लेना देना नहीं है, उनकी ऐसी सोच है। जनरली ऑर्गेनाइजेशन में बोलते हैं आपको पहले क्या एक्सपीरियंस है, नहीं है, अच्छा तो फिर नहीं, यू डोंट फिट द बिल, राइट। यहाँ पे ऐसी शुरुआत हो रही, तो मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि शुरुआत हुई है, बट ये देखिए कितनी अलग सोच है, ऐसा भी हो रहा है जी, हमें और ऐसे 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 हमें इस तरह के एग्जाम्पल्स की और इस तरह के काम की हमें बहुत जरूरत है। वेरी वेरी रिफ्रेशिंग, एब्सोल्युटली ग्रेट आइडिया, वंडरफुल मैम। अच्छा, आप एक लास्ट क्वेश्चन सवाल मैं आपसे अभी पूछना चाहूंगा मैम, बिकॉज आई नो आपका एक्सपीरियंस जो है वो एक इंटरेक्शन में कवर नहीं होगा, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आज प्रॉब्ली इस पूरे इंटरव्यू का रहेगा कि अगर कोई, लेट्स से आपने उज्जैन का एग्जाम्पल दिया, लेकिन दुनिया के किसी भी कोने में, खासकर जो हिंदी, अभी क्योंकि हम हिंदी में कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो हिंदी स्पीकिंग बेल्ट में किसी भी शहर में कोई अगर लड़की अपना करियर स्टार्ट कर रही है, क्योंकि मैं लड़की इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आपने कमिंग फ्रॉम दैट बैकग्राउंड आप टॉप तक पहुंचे हो, तो उसको तीन कौन सी ऐसी चीजें याद रखनी चाहिए या करनी चाहिए जिससे वो मतलब पीछे मुड़ के ना देखे जैसे आपने नहीं देखा, राइट। तो देखिए ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, बट मैं तीन चीजें ये कहूंगी, पैशन, करेज और अबिलिटी। पैशन मतलब जुनून, कुछ पाने का, कुछ करने का, कुछ कर गुजरने का, और तब तक नहीं रुकने का जब तक आप उसको अचीव नहीं कर लो। ओके, ये लड़कियों के लिए नहीं, ये हर किसी के लिए अप्लाई करता है, बट लड़कियां स्पेशली, क्योंकि आपको बहुत सारे लोग होंगे जो बोलेंगे कि रहने दो, नहीं किया तो क्या हुआ। जुनून होना बहुत जरूरी है, पैशन अपने गोल के प्रति, दूसरी चीज करेज, हिम्मत बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी हिम्मत बार बार टूटेगी, तोड़ी जाएगी, और आपको अलग अलग कारणों से, आप सब कारण जानते हैं, राइट, कभी शादी होगी, कभी घर में जरूरत होगी, ये कहा जाएगा कि भाई को पढ़ाना ज्यादा जरूरी है आपके बजाय, ऐसा सब होता है, तो हिम्मत नहीं हारनी है, और अपने आप को असहाय नहीं महसूस करना है। आप अगर ऊपर वाले में विश्वास रखते हैं तो गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, आप अपनी स्वयं की मदद कर सकते, भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद की मदद स्वयं करता है, तो हिम्मत नहीं हारना है। और तीसरी चीज एबिलिटी, एबिलिटी मतलब योग्यता, यू नो ऐसा नहीं हो सकता, वो कहते हैं कि थोथा चना बाजे घना, ऐसा ऐसी कहावत है यू नो जनरली, तो आपको यू नो एम्प्टी वेसल नहीं बनना है, आपको बहुत योग्य बनना है, अपनी काबिलियत, अपनी कॉम्पिटेंस, एबिलिटी से ही आगे बढ़ना है। तो पैशन और करेज रखना है, बट योग्यता साथ में डेवलप करना है, इट्स अबाउट कॉम्पिटेंस,
और देर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस. अगर हमारे पास कॉम्पिटेंस नहीं है तो हम फिर आगे बढ़ने में हमें दिक्कत आएगी. और तब अगर आप ये वुमन या लेडी या गर्ल कार्ड यूज करेंगे तो वो अनैतिक है, वो गलत है. बहुत जगह ये देखा जाता है कि योग्यता नहीं है पर ये कहा जाता है कि इनको दे दीजिए बिकॉज कि ये लेडी है, राइट. तो वो कंसेशन हुआ, वो रिजर्वेशन हुआ, वो नहीं. हमें अपनी काबिलियत से उसको प्रूव करके, और एक बार नहीं कितनी बार प्रूव करना पड़े, उसके साथ धैर्य संयम जो हिम्मत है वो नहीं हारते हुए जुनून के साथ आगे बढ़ना है. सो पैशन, करेज, एबिलिटी, जुनून, जो करेज है, हिम्मत है, और योग्यता. ये तीन चीजें अगर आप घुट्टी बना के पी लें या गांठ बांध के रख लें, आई थिंक आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता. और मैं इसका जीता जागता उदाहरण हूँ, राइट. आप मेरी अगर वेबसाइट देखेंगे तो उस पर भी आपको ये स्टोरी मिलेगी. आकर्षण, आपने देखी है www.aparnashrma.in. राइट, तो आप डालेंगे. पर मैं इसका जीता जागता उदाहरण हूँ. और शुरू से मैं इसे संघर्ष नहीं कहती, मैं इसे एक्चुअली बोलती हूँ कि दिस इज बिकम अ वे ऑफ लाइफ फॉर मी, नो रिग्रेट्स व्हाटसोएवर, राइट. सो यही बात है, इसको गांठ बांध के रखिए एंड सक्सेस एंड द फ्यूचर इज योर्स. आपकी सफलता निश्चित है, ये मैं गारंटी देती हूँ. वंडरफुल मैम, आई होप विद दिस इंटरेक्शन अ लॉट ऑफ पीपल विल गेट मोटिवेटेड. और जिस तरीके से, जिस पैशन से आप बात भी करते हैं, उससे पता चलता है कि एक्चुअली आपने कितना कुछ देखा है और कितना कुछ अब आप आगे सिखा सकते हैं. सो आई थिंक वर्ल्ड नीड्स मोर लीडर्स लाइक यू, वेयर दे आर ओपन टू शेयर देयर नॉलेज. और साथ ही साथ आप बहुत सारे कॉजेज में भी जुड़ी हुई है, वो हम नेक्स्ट टाइम कभी कवर करेंगे. But thank you so much for coming. It was a wonderful experience talking to you. Thank you, ma'am. Thank you very much, and all the very best to you and to all the viewers. Thank you. Dhanyavaad. Dhanyavaad.